Dear students, this is 7th video of class 10th geography chapter 1st resource and development NCERT book page number 8. Today we are going to study classification of soil. In classification we have to study black soil. These soils are black in color and are also known as regular soil. ये मिट्टियाँ ब्लैक कलर की होती हैं और इनको रेगुलर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर द ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. ब्लैक सॉइल कॉटन उगाने के लिए एक आइडियल होती हैं और इन्हें ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. Black soil के बनने में climatic condition और parent rock material का होना अति आवश्यक है जिनके कारण black soil बनती है. This type of soil is typical of the Deccan trap. Basalt friction spread over northwest Deccan plateau and is made up of lava flows. तो जो इस तरह की विशिष्ट प्रकार की मिट्टी है तो ये Deccan trap region पे फैली हुई है जो कि northwest Deccan plateau में पाया जाता है और यह लावा के flows से बनी हुई है. मतलब जैसे लावा इरप्शन हुआ उसके फ्लो होने के कारण ये ब्लैक कलर की मिट्टी फॉर्म होती है जो कि डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है. दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र एंड दिस वन इज ब्लैक सॉइल. दिस रीजन this one is Maharashtra, this region Maharashtra, this MP here black soil, and this one Gujarat, and here some part in Rajasthan and UP, and this one Maharashtra, and here this region. मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज. मतलब इन जगहों पर मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी वैलीज में कृष्णा वैलीज में ब्लैक सॉइल पाई जाती है. अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं. मतलब इसका ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल. जो ब्लैक सॉइल होती है तो ये बहुत ही फाइन पार्टिकल से बनी होती है. ये बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. और इसके जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. ये बहुत ज़्यादा इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. और इसके अतिरिक्त यह soil nutrients में भी rich होती है. इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में calcium carbonate, magnesium, potash and lime पाए जाते हैं. These soils are generally poor in phosphoric contents. इस तरह की मिट्टियाँ लगभग generally फॉस्फोरिक कंटेंट को होल्ड करने में सक्षम नहीं होती. मतलब इसमें ये कम पाए जाते हैं. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल. तो इस तरह की मिट्टियों में हॉट वेदर में एक क्रैक्स आ जाते हैं. जैसे ये एक अपर लेयर है तो इसमें क्या हो जाना, ऐसे क्रैक्स आ जाना, ये ऐसे डीप, तो इसमें ऐसे ऐसे क्रैक आ जाते हैं. तो ये एक एरिएशन के लिए जिसमें
एयर क्या होती है, इससे बहुत ही इजी वे से सॉइल में मिक्स हो जाती है। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि अच्छी प्रोसेस होती है एयर मिक्स होने के लिए। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑन ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो ये मिट्टियाँ बहुत ही स्टिकी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कल्टीवेट करना मुश्किल हो जाता है। यदि मानसून की जो पहली बरसात होती है फर्स्ट शावर, तो उसके बाद ही अगर तुरंत कर लें, इमीडिएटली अगर आप कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है, जो चिपचिपा है, उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट, रेड एंड येलो सॉइल्स। तो रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड सॉइल्स डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो जो रेड सॉइल है, तो ये क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक से बना हुआ है, और यह जहाँ पर लो रेनफॉल होती है ईस्टर्न सदर्न पार्ट्स में डेक्कन प्लेट्यू के, तो डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में ये पाई जाती है इस तरह की रेड सॉइल। जो कि येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो देखिए, ये इन जगहों पे येलो एंड रेड सॉइल पाई जाती है, जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड जो ये पीडमोंट जोन है, मतलब जो पर्वत के जो पार्श्ववर्ती प्रदेश होते हैं, इलाके होते हैं, वहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है, और ये वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती है। दीज सॉइल्स डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो ये इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं, दीज सॉइल्स रेड एंड येलो सॉइल्स, ये रेडिश कलर इसमें कैसे आता है, तो ये कैसे आता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अब यहाँ पर क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बना होता है, और ये बाद में मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, जो डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है, और ये मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने के कारण इसमें जो कलर होगा, तो ये कलर किसमें, रेडिश कलर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रेट होता है। इट लुक्स, अब देखिए, तो यहाँ पे आयरन की वजह से यहाँ पर इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। एंड लुक योर नेक्स्ट, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में देखा जाए, तो ये क्या होगा, येलो कलर, उसमें येलोइश कलर आ जाता है। बट जो रेडिश कलर आता है, क्यों आता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इसी में अगर हाइड्रेट हो जाता है तो क्या, किस कलर में, येलो कलर पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, लैटराइट सॉइल। लैटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटो व्हिच मींस ब्रिक। जो लैटराइट वर्ड है, तो ये लैटिन वर्ड से लैटिन शब्द है, जिसका लैटर, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रिक। लैटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो जो इस तरह की मिट्टियाँ हैं, लैटराइट सॉइल है, तो लैटराइट सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनती हैं, जहाँ पर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीसिंग ड्यू टू द हैवी रेन। ये हैवी रेन के कारण यहाँ पर एक प्रोसेस आप कह सकते हैं लीसिंग, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह की मिट्टियाँ फॉर्म होती है। लैटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप
deep to very deep, deep to very deep, acidic, pH less than 6.0, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states. तो इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं तो ये डीप टू वेरी डीप पाई जाती हैं और इनका जो एसिडिक है तो अगर पीएच मान देखा जाए तो कितना होता है, लेस देन 6 होता है. और इस तरह की मिट्टियाँ लगभग क्या होती हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और यह मोस्टली सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेटराइट सॉइल पाई जाती है. अब देखिए वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट डिसाइडस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसी तरह की मिट्टियाँ जहाँ पर ये ऐसी सॉइल डिसाइडस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए सुटेबल है. इट इज ह्यूमन रिच बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर. तो यहाँ पर जहाँ ऐसी मिट्टी जहाँ पर डिसाइडस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ह्यूमस रिच मिट्टी होती है, उसमें खाद जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट डिसाइडर से वहाँ पे खाद अधिक होता है, मतलब ह्यूमस रिच होती है. जबकि इसके विपरीत अगर देखा जाए कि जो ऐसे एरियाज जहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन है, मतलब कम मात्रा में वेजिटेशन उपलब्ध है, तो जो वहाँ का और वो सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, मतलब शुष्क वातावरण है, पर्यावरण है, तो वहाँ पर ह्यूमस कम मात्रा में पाया जाता है. इसी कारण से ये वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो कम मात्रा में होता है. दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंड स्केप, और ये अधोमुख होने के कारण ही इस यहाँ पर जो एक इरोजन रेट है वो अधिक होती है, मतलब इसका जो लैंडस्केप मीन्स कह सकते हैं इसका जो ऐसे पर्वतानुमा होने के कारण और इसका जो ऐसे लैंडस्केप मतलब ये डाउनवर्ड इसका फ्लो होता है. तो यहाँ पर हमने देखा दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप. आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. तो यहाँ पर अगर हम proper technique का conservation technique का उपयोग करते हैं in hilly areas में Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, तो ये इस तरह की मिट्टी soil और coffee को उपजाने के लिए बहुत अच्छी होती है. रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट. अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो रेड लेटराइट सॉइल होती है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ये बहुत ही सूटेबल होती है कैश्यू नट के लिए, काजू के लिए. नेक्स्ट एरिड सॉइल्स. एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. तो एरिड सॉइल्स जो रेंज कह सकते हैं, मतलब इसके कई कलर हो सकते हैं जो रेड टू ब्राउन में पाया जाता है. दे आर जनरली सैंड इन टेक्स्चर एंड सलाइन इन नेचर. जो इसका टेक्स्चर है, बनावट है, वो सैंडी है और ये सलाइन इन नेचर, मतलब उसमें सॉल्ट मिक्स्ड. इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेटिंग द वाटर. और कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो सॉल्ट कंटेंट है वाटर में जो मिक्स्ड है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण अगर हम उसको एवोपरेट कर दें तो वो हमें आसानी से सॉल्ट प्राप्त हो सकता है.
Due to the dry climate, high temperature evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. और यहाँ पर शुष्क वातावरण होने के कारण और टेम्परेचर अधिक होने के कारण इवोपरेशन रेट भी अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो इसका ह्यूमस कंटेंट है, मॉइस्चर है, वो बहुत कम पाया जाता है. द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स. और इसे लोअर हॉरिजॉन में देखा जाए तो जो सॉइल ऑक्यूपाइड है तो ये कंकर पाए जाते हैं यहाँ पे, मीन्स स्मॉल स्टोन्स, स्मॉल पार्टिकल्स, मीन्स लाइक सैंड, छोटे छोटे कंकर. दिस इज अ हिंदी टर्म विच डायरेक्टली रिटन इन इंग्लिश. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. तो यही एक जो ये कंकड़ हैं, ये क्या, अगर ये ऐसे एकदम लेयर बना लें और ये एकदम फिट हो जाएं तो ये क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. मीन्स जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है सॉइल की, मिट्टी को, वाटर को एब्जॉर्ब करे, वो क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं. मतलब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of Western Rajasthan. अगर Western Rajasthan की बात करें तो यहाँ ऐसे कुछ areas हैं जहाँ पर proper irrigation facility available करके इन मिट्टियों को cultivable बनाया जा सकता है, जिसमें agricultural activities की जा सकती हैं. Forest soils. These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforest are available. These soil texture varies. ये जो forest soil है तो इस तरह की मिट्टी hilly and mountainous region पे पाई जाती हैं, areas पे पाई जाती हैं, और जो कि यहाँ पर sufficient rainforest available होते हैं. द सॉइल टेक्स्चर वेरीज, जो इनका जो सॉइल टेक्स्चर है वो वेरी करता है उनके माउंटेन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड. तो इनका जो सॉइल टेक्स्चर है, बनावट है मिट्टी की, तो वो माउंटेन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है जहाँ पर वो बने हुए हैं. दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स and coarse grained in the upper Himalayas. तो देखिए इसमें कि इस तरह की ये क्या होते हैं, लोमी और सिल्टी होते हैं वैली साइड्स पे, और ये क्या होते हैं यहाँ पे दानेदार, एक कोर्स ग्रेंड इन द अपर स्लोप्स. जो अपर स्लोप्स होते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, दानेदार होती है. जैसे ये देखिए ऐसे, ये स्लोप डाउनवर्ड है, तो जो ये अपर स्लोप है तो अपर स्लोप में पाए जाने वाली सॉइल होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे ग्रेंड होगी, कोर्स ग्रेंड होगी. इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयस दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट. तो इसमें देखिए कि जो हिमालय रीजन है, जो कि स्नो कवर्ड एरिया है, तो ये इस तरह की सॉइल एक तो एसिडिक होती है और उसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, जिसके कारण ये वनोन्मूलन के लिए दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन. मतलब यहाँ पे जो वन है तो उतने अच्छे नहीं पाए जाते, वन उन्मूलन के लिए ये अच्छा नहीं है. द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल. तो इसमें देखिए कि
द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स, मतलब जो लोअर पार्ट्स में मिट्टी पाई जाती है इन वैलीज में, तो जो रिवर टेरेसेस बोल सकते हैं, तो वो क्या होती है, एल्यूवियल होती है और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो जैसे ये हमने देखा, ये स्लोप्स हैं, तो ये अपर पार्ट जहाँ पे कोर्स ग्रेन्ड टाइप की सॉइल पाई जाती है, और यहाँ पर क्या होती है, एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि ये क्या होता है, जो इसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो अपर लेयर होती है, वो फ्लो होके डाउनवर्ड यहाँ पर आ जाती है डाउन स्लोप्स पे, और यहाँ पर क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है, और ये क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हिमालयन रीजन जहाँ पे स्नो कवर्ड एरियाज हैं, जिसपे एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट है, तो वो वन के लिए अच्छी मिट्टी नहीं होती। और इसके जो अपर पार्ट में हमने देखा, यहाँ पे ये क्या होता है, दानेदार, और यहाँ पर एक फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सबसिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो इसी को जो एक वनोन्मूलन है, जो सॉइल कवर होता है, एक जैसे ये प्लांट्स हैं और ये सॉइल कवर है एक, तो ये जो सॉइल कवर है ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ये वॉश डाउन हो जाए, जो फ्लोइंग वाटर है उसके द्वारा ये वॉश डाउन हो जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है और सॉइल इरोजन की प्रोसेस है, ये दोनों साथ साथ में चलती रहती है, इन दोनों में बैलेंस बना हुआ रहता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय ह्यूमन, और ये जो कई बार है, तो कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो यहाँ पर इनके कारण, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो जाता है, ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है, जिस कारण से जैसे नेचुरल फोर्सेस हैं, विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, इनके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन की रेट अधिक हो जाती है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज, और यहाँ पर जो रनिंग वाटर है, तो रनिंग वाटर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे रनिंग वाटर के कारण यहाँ पे एक डीप चैनल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गलीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, गलीज बोल रहे हैं, और ये लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। और ऐसे ये डीप चैनल होने की वजह से, जो एक फर्टाइल होनी चाहिए थी ये लैंड, तो वो क्या हो जाती है, वॉश डाउन हो जाती है, जिस कारण से ये क्या हो जाती है, कल्टिवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, और इसे हम बैड लैंड बोलते हैं। और ये प्रॉपर एक लेबल होना चाहिए, वो लेबल में भी नहीं होता, ये हाई एंड लो लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रवीन्स। जैसे अब इसे इन्हीं जो गलीज हैं, तो गलीज को हम चंबल बेसिन में दूसरे नेम से भी जानते हैं, रवीन्स के नेम से भी जानते हैं। समटाइम्स water flows as a sheet over large areas down a slope। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये एक स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, और इसमें कई बार जो ये वाटर फ्लोस है, तो एक सीट में, मतलब एक लार्ज एरिया में डाउनवर्ड फ्लो होता है। तो इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, और इसी कारण से इसकी जो टॉप सॉइल है वो क्या हो जाएगी, वॉश्ड अवे हो जाएगी,
और इसी को हम क्या बोलते हैं, सीट इरोजन बोलते हैं। तो ये 1 mark के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज सीट इरोजन। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज कॉल्ड सीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। और यहाँ पे स्लोप डाउनवर्ड होने के कारण, फ्लैट होने के कारण जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या विंड इरोजन पॉसिबल हो पाता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लगिंग इन रॉन्ग वे। और यहीं पर अगर आपका जो कल्टीवेशन है, फार्मिंग है, वो अगर डिफेक्टिव मेथड्स उसमें यूज करते हैं, जिसके कारण से सॉइल इरोजन की जो रेट है वो भी बढ़ जाती है। जैसे प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जैसे देखिए, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक ये डाउनवर्ड स्लोप का एक फार्म है, और इस फार्म लैंड पे अगर आप इसका जो कल्टीवेशन है वो कल्टीवेट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, डाउनवर्ड ही करते हैं ऐसे, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल इरोजन है तो सॉइल इरोजन रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर अधिक होगा, जो कि अपने साथ में जो टॉप लेयर है उसे क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये यहाँ पर सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बेसिन्स पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा इसके सबसे निचले पार्ट पे। आप देखिए, जो ये सॉइल इरोजन था, इसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन हियर, प्लगिंग अलॉन्ग द कंटोर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। तो यहाँ पर देखिए, जो प्लगिंग है, तो यहीं पर हमने देखा कि जो अभी अगर ये डाउनवर्ड स्लोप के फार्म हैं, तो इसमें हमें ऐसे डाउनवर्ड इसमें लाइन ना हो के, अगर इसे हम कैसे करें, ऐसे करें, कंटोर मतलब जस्ट इसे एक अपोजिट काउंटर, अगर इसका फ्लो डाउनवर्ड है तो इसे डाउनवर्ड ना करके इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल वे पे अगर हम इसे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो जो सॉइल इरोजन की रेट है उसे ये क्या कर देता है, डिसलरेट कर देता है, डिक्रीज कर देता है। दिस इज कॉल्ड कंटोर प्लगिंग। और यही जो प्लगिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंटोर प्लगिंग बोलते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। और यही जो स्लोप है, तो इस स्लोप को हम क्या कर देते हैं, टेरेस फार्मिंग, मतलब जो ये इसकी सॉइल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाते चलते हैं, सीढ़ी नुमा खेती, मतलब यहाँ पर क्या कर देना, टेरेस बनाते चलना। तो यहाँ पर एक ये दूसरा तरीका है कि जो फार्मिंग हमने किया, कंट्रोल कर सकते हैं, कि मतलब जैसे अगर स्लोप ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर दूसरा तरीका है कि आप वहाँ पे टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे सीढ़ी नुमा बना के फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। टेरेस कल्टिवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। तो जो टेरेस कल्टिवेशन है, तो वो सॉइल इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करता है, सॉइल इरोजन जल्दी नहीं हो पाता, और ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन जो रीजन है, तो हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस में जो टेरेस फार्मिंग है, तो ये अच्छा वहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। और यहीं पर अगर देखिए कि ऐसे रीजन, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स,
जो लार्ज फील्ड हैं, जैसे एक ये लार्ज फील्ड है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो ग्रास है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो इसमें क्या कर देना कि कुछ पार्ट, जैसे यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, ये क्रॉप लगा दिए, फिर ये आप क्या कर दीजिए, लीव कर दीजिए, फिर यहाँ पे क्रॉप लगा दीजिए ऐसा। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, मतलब पट्टी नुमा उसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमने ये जैसे लार्ज फील्ड है इसको हमने क्या किया कि पट्टियों में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रॉप लगा दिया, फिर ये हमने इतना छोड़ दिया ग्रास के लिए, फिर हमने यहाँ पे क्रॉप लगा दिया, फिर हमने छोड़ दिया यहाँ पे ऐसा। तो ये जो है, तो ये भी एक मेथड है सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, और वहाँ पर भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जा सकती है। तो इसमें आपने देखा कि जो लार्ज फील्ड्स है, लार्ज फील्ड्स को आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही एक जो मेथड्स है ब्रेकअप है, तो ब्रेकअप द फोर्स ऑफ विंड, जो फोर्स ऑफ विंड है उसको ये क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और यही मेथड है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। ये मेथड क्या कहलाती है आपकी, स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो planting lines हैं tree की, मतलब यहाँ पे tree भी हम क्या कर सकते हैं, एक line से, जैसे ये कोई tree है, फिर एक ये कोई tree है, तो इनको सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक line से ऐसे लगा सकते हैं। तो ऐसे लाइन पे लगाने के कारण, मतलब इनको ऐसे ग्रोन अप करने के कारण क्या है वो देखो जा रहा हूँ, कि ये क्या करते हैं, क्रिएट शेल्टर, और वो क्या यहाँ पर शेल्टर क्रिएट करते हैं, और साथ में रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, इन्हें हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए जो सैंड डून्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and stabilizing the desert in western India. तो जो western parts India का, तो western parts को वहाँ पर जो soil erosion है, soil erosion को कम करने के लिए जो ये planting lines of trees हैं, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं हम, shelter belts बोलते हैं। ये भी एक important one mark का question बन सकता है कि what is shelter belts। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, मतलब ये जो ट्रीज़ होते हैं जो लाइंस पे लगाए जाते हैं, तो इनके कारण क्या होता है, जो हमारा सॉइल इरोजन है कम हो जाता है, जो सैंड डून्स है वो उन्हें हम फिक्स कर सकते हैं कि वो क्या यहाँ पर क्या नहीं, कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लोन अवे हो जाए। थैंक यू क्लास, नाउ दिस चैप्टर फिनिश्ड।